Hey guys, welcome to my channel. So in today's video, I am going to show you my empties. So basically in this video, I am going to show you the products that I have used completely, so that this way I can tell you my final opinion about the product, if I liked it or not, or how it performed on my skin or hair. So if you're interested, then please continue watching. But aage badhne se pehle, agar channel ko subscribe nahi kiya hai, to subscribe to my channel, like this video and also share this video. Now let's just get started with today's video. First, I am going to start with makeup because I have only two makeup products. So the first makeup product is this Maybelline's New York Compact Powder. This is their Maybelline New York White Super Fresh Compact, and I was in the shade Pearl. This is how it looks like. So this is a decent compact. I used to like it a lot, but after I tried this one, I can never go back to this one, but because I really like this, this has a very nice coverage also, and the shade is also a very good match. But this was also a decent one. This gives a little bit of white cast to your face, so I think if you are going to buy this one instead. So the next makeup product is Lakme Iconic Liquid Eyeliner. This is a sketch eyeliner. ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, डेट्स वाई दिस इज इन माई एम्प्टीज. सो ये भी एक बहुत अच्छा आई लाइनर है. आई रियली यूज टू लाइक दिस वन, और ये अफोर्डेबल भी है. सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ स्केच आई लाइनर, यू कैन ट्राई दिस वन. नाउ स्टार्ट विथ स्किन केयर. सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये दो मिसेलर वाटर. सो ये है ऑयल इन्फ्यूज्ड गार्नियर मिसेलर वाटर, और ये है जो नॉर्मल वाला, दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन. सो आई रियली लाइक गार्नियर के मिसेलर वाटर, डेट्स वाई आई हैव कम्प्लीटली यूज दिस अप, और अभी भी मेरे पास एक बैकअप है इसका फुल साइज. सो आई रियली लाइक दिस. These are the basic micellar water, but works really fine. If you wear waterproof makeup, then you can try this one. और अगर आप थोड़ा बहुत regular basis पर makeup करते हो तो आप ये वाला use कर सकते हो, but both works really nicely. इस वाले में I think fragrance भी नहीं है. Yes, this has no fragrance, और इसमें कोई alcohol भी नहीं है. So if you are very sensitive skin, you can try this one. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये जॉय का लिप बाम. दिस इज़ देयर जॉय न्यू एडवांस्ड लिप गार्ड विद शिया बटर एंड आलमंड ऑयल. दिस इज़ अ डिसेंट लिप बाम, जैसे सारे बाकी लिप बाम होते हैं वैसलिन जैसा, बहुत अच्छे से वर्क करता है. और क्या, बस जैसे सारे लिप बाम वर्क करते हैं वैसे ये भी वर्क करता है. And this retails for only 30 rupees. तो अगर आपको कोई एक अफोर्डेबल लिप बाम चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. सो अब नेक्स्ट मेरे पास तीन मामा अर्थ के प्रोडक्ट है. सो जो फर्स्ट है वो है मामा अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर फॉर एक्ने प्रोन स्किन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो आई हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड दिस वर्क्स रियली नाइसली फॉर माय स्किन. आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर. दिस डज नॉट क्लॉग योर पोर्स एट ऑल, बट द ओनली प्रॉब्लम इज यू हैव टू यूज वेरी लेस अमाउंट. अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा लगा लोगे तो आपकी स्किन थोड़ी टाइम बाद ऑयली होने लग जाएगी, लेकिन वैसे ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, और विंटर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. एंड दिस रिटेल्स फॉर ओनली 299 rupees, आई गेस. सो एक ये काफ़ी अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर भी है इंडियन मार्केट में. सो जो नेक्स्ट मामा अर्थ प्रोडक्ट है वो है ये है मामा अर्थ और एलो टर्मरिक जेल विथ प्योर एलोवेरा एंड टर्मरिक फॉर स्किन एंड हेयर. सो ये मेरा सेकेंड ट्यूब था, ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है. आई रियली लाइक मामा अर्थ के एलोवेरा जेल. नाउ आई एम यूजिंग देयर एलोवेरा जेल विद विटामिन ई. सो आई रियली लाइक एलोवेरा जेल इन माई स्किन केयर. यह आपके स्किन में कोई एक ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखाएगा. बेसिकली एलोवेरा जेल आपके स्किन को सूद करने के लिए होता है. सो ये भी बहुत अच्छे से आपकी स्किन को काम डाउन कर
ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से काम डाउन कर देता है। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड फील हो रही है तो आप इसको लगाओगे तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा काम फील होगा। बट अगर आप कोई ऐसा सोच रहे हो कि आपकी स्किन में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा। इसी वीक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और काम डाउन कर देगा। एंड इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज ए मॉइस्चराइजर। सो जो थर्ड मामा अर्थ प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ उपटन फेस मास्क। ये उनका टेस्टर साइज था जो मुझे फ्री मिला था। सो आई डोंट लाइक दिस डैट मच। मतलब आई थिंक ये थोड़ा स्किन को डल कर देता है और ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देता है स्किन में। द उपटन जो हम घर में बनाते हैं बेसन के साथ मिक्स करके, वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, और मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करता तो बेसन यूज़ कर सकते हो। वो दोनों बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बट आई थिंक यू कैन स्किप दिस वन, दिस इज़ नॉट वर्थ 500 रुपीज़। जो इसका फुल सेट आता है वो 500 रुपीज़ का आता है। सो आई डोंट थिंक ये 500 रुपीज़ का वर्थ करता है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। रियली गुड फॉर विंटर समर्स, जब चाहे आप यूज़ कर लो, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने इसे पूरा यूज़ कर चुका है। आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर और ये बहुत अफोर्डेबल है। आई कैंट फाइंड द प्राइस, लेकिन आई थिंक ये 200 के अंदर अंदर आता है। रियली गुड मॉइस्चराइजर। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ मॉइस्चराइजर यू कैन रियली ट्राई। एंड पॉन्ड्स तो हर जगह आराम से मिल जाता है, लोकल मार्केट में भी, ऑनलाइन भी, तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट इज दिस गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। सो ये मेरा थर्ड बॉटल था आई गेस, और ये भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। रियली गुड सीरम, बेस्ट सीरम इन द मार्केट। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपकी ऑयली स्किन है बस थोड़ा ड्रॉप कम कर लो और ये आपके स्किन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर आपको इसको नाइट में एक मास्क की तरह, स्लीपिंग मास्क की तरह यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा आपको सुबह उठते। सो आप एक अफोर्डेबल सीरम चाहते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड दिस रिटेल्स फॉर 215 रुपीज़, लेकिन पर्पल पे ये हमेशा डिस्काउंट पे होता है, 200 से अंदर ही मिलेगा आपको। सो डू चेक आउट दिस वन। एंड या डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर कोई वीडियो रिकमेंडेशन है तो कमेंट्स में लिख देना, और वीडियो कैसी लगी वो भी लिख देना। एंड या आई शिल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन बाय।